बिस्मिल्लाह कीजिए आजम मियां। हमें डैडी रेडी गो मारते तो नहीं गए और कैसे हो गए? अच्छा नहीं खफा ना हो आपके मामला। हाँ ये तो हम नहीं आजाद खेलेंगे। जाओ आप नहीं खेलते। तुम्हें लेना दादा जोर से ही लगाना इतने जोर से तो रहे दादा। अच्छा अच्छा आपके आओ आपके आउट क्या हो गया? हम नहीं चलेंगे दोस्त। अच्छा भाई नाराज ना हो चलो बॉलिंग करो। आउट आउट नॉट आउट। हम कहते हैं आउट जो हम नहीं खेलते। हाँ भाई हाँ हाँ मैं डाउट हो गया। चलो आजम मियां तुम बैठ करो तो कुछ खबर शाबाश। आप ये लीजिए बैट और जोर से एक बाउंड्री लगाइए ठीक है? रेडी रेडी गो। आजम ये कहाँ हामिद ने मारा है? हामिद नहीं मारा है। देखिए कहाँ मारा है हामिद ने। हम फंसोर नहीं करते हैं। चुप हो जाओ चुप हो जाओ। हामिद ने मारा है तुम्हें? हाय अल्लाह बुखार तक हो गया है मेरे बच्चे को। देखती क्या है बर्फ की पट्टियां तो यहाँ सज जाकर सामने खड़े होकर पिटवा दिया ना मेरे बच्चे को। ये बेहोश हो जाएगा तब बुला कर लाओगे डॉक्टर को। जाते क्यों नहीं? कोई बात नहीं हुई बेगम साहबा मैं खुद वहाँ मौजूद था। खामोश तुम ही लोगों ने सर चढ़ा रखा है इन माँ बेटों को। अपने सगे भाई के बेटों को पिटवा कर खुश हो रही है ना? हम दोनों मिलकर हम इसको पिटेंगे। आओ चलो अब तुझे हजार बार मना कर चुके मत खेला तुम जो खुदा के लिए बस करो बेकसूर है ये और साहब भी आने ही वाले हैं। कोई झगड़ा नहीं हुआ। झूठे हो तुम है क्यों नहीं? हामिद ने आजम को इस कदर मारा है कि बुखार तक हो गया है इसे। आ गए भाईजान हामिद से गलती हो गई थी मैंने उसे सजा दे दी। बैठिए मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। सुन लिया आपने हामिद से गलती हो गई थी इसी तरह की दीदी जान भी ले डालेगा इसकी। जी बुरा ना कीजिए हजूर घर है तो झगड़े भी होंगे कभी ना कभी तो इनका अंत भी हो ही जाएगा। आजम यहाँ आओ। हामिद तुम भी इधर आओ। डैडी सुनेंगे। अच्छा तुम कह देना कि आजम को गेंद मारती थी मगर मैंने गेंद कम मारी थी तुम्हारी फिर हम रो के पड़े मैं क्या जानू। अभी तक कोई पास तो ना कह दो खुद ही गिर पड़ा था। नहीं आज तुमने कह दो कि बल्ला मार दिया था मैं अपने से
की चॉकलेट तुम्हें दे। अच्छा भाई दूध बोलूंगा तुम्हारे लिए तो अपने दोगे ना? हाँ। ओफो आजम मियां, आज हम चॉकलेट डाला तो भूल ही गए। अब आप हामिद मियां को झूठ बोलने की रिश्वत कैसे देंगे? देखो भी बात ये, हामिद मियां रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों पकड़े जाते हैं, और झूठ बोलने वाला भी जरूर पकड़ा जाता है। डैडी अम्मी तो रोज झूठ बोलते हैं, वो तो नहीं कभी पकड़ी गई। मारेंगी अम्मी। हाँ। अच्छा भाई आज तो हम तुम्हें चॉकलेट दे देते हैं, लेकिन वादा करो कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलोगे, आपस में कभी नहीं लड़ोगे। चलो हाथ मिलाओ। ये रहे चॉकलेट, ये आधे तुम्हारे आधे तुम्हारे, चलो भागो। तस्नीम तुमने सुना, हामिद और आजम में सुलह हो गई, दोनों ने वादा किया है आप कभी नहीं लड़ेंगे। ऐसा हो तो बहुत अच्छा, फिर भी आप हामिद को समझा दीजिए। अरे भाई दोनों को समझा दिया है, स्कूल से आकर बैठ कर सबक याद किया करेंगे। क्यों आजम? दादी मैंने तो अपना सबक याद कर लिख रहा हूँ, पहले खाना खा लो। और तुम हामिद? मामू जान हम दोनों का एक ही सबक है, मैंने भी याद कर लिया है। सुनाओ। खाना खाओ, जब सुनाने का वक्त आएगा तो भूल जाओगे। आंटी हामिद भूल जाएगा, मैं नहीं भूलूंगा, मुझे तो याद है मगर तुम भूल जाओगे। चुप रहो, आजम तुमसे ज्यादा जहीन है, वो अपना सबक जल्दी याद करता है। देखो मैं अभी सुनाता हूँ। बड़े लोगों का है? अरे भाई बिस्मिल्लाह तो पढ़ो। बिस्मिल्लाह। बड़े लोगों का कहना है कि लाडला, मैं अमित आगे तुम सुनाती हूँ। बड़े लोगों का कहना है। अरे भाई तुम दोनों ने क्या बिस्मिल्लाह का बहिष्कार कर दिया है? औजा बिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े लोगों का कहना है कि लाडला, बड़े लोगों का कहना है कि लाडला। लो आजम तुम ही सुना दो। दोनों को याद नहीं। क्यों आजम? क्या याद क्यों नहीं? तो फिर सुनाओ, फिर से बिस्मिल्लाह पढ़ो। एक दफा पढ़ ली, अब सबक सुनाओ। बड़े लोगों का कहना है कि लाडला बेटा। लो हामिद अब तुम ही सुना दो। मुझे तो याद है, तुम ही सुना दो। अगर याद है तो सुनाते क्यों नहीं? सुनाते। बड़े लोगों का कहना है कि लाडला बेटा और चरचरी बीवी दो कौड़ी की बनकर रह जाती है। मुझे दलील करने के लिए प्लान बनाया गया था। ये तुम्हें सुना देते तो अच्छा हो, अब मुझे मार पड़ेगी। ये सबक माँ से सादे सुना देते तो उनका भी मार पड़ती। चलो हम खाना खाए। मैं सरचरी बीवी दोपहर की, फिर क्यों रख रहा है मुझे यहाँ? मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा, ये घर हमेशा इसी तरह जहन्नम बना रहेगा। यही मेरा भी ख्याल है। अज़दवाजी जिंदगी अगर इसी का नाम है तो लानत है जिंदगी। हजार बार लानत है। देखो अगर तुम्हारा रवैया न बदला तो हम दोनों तबाह होकर रह जाएंगे। जरा सोचो, दिन भर के थके हारे आदमी को अगर घर में भी सुकून न मिल सके तो वो बीवी को जलील करना शुरू कर दे। मुझे तुम्हारी हालत पर सख्त अफसोस है। हर शख्स को होगा जो बीवी शौहर की मुस्कुराहट को तरस गई हो, जिसे मुलाजिमों के सामने जोड़ी तसव्वुर किया जाए, जिस पर बेवा और यतीम राज करे। हम हो चुके कुलसूम मेरी हकीकी बहन और हामिद मेरा भांजा होंगे, मगर वो यहाँ आकर बनकर नहीं रह सकते। तो गुलाम बनाकर रखना चाहती हूँ? मेरी हैसियत खुद ना एक लौंडी किसी है। मैं आज ही अब्बाजान को खत लिखती हूँ, मुझे इस जंजाल से निकाल कर ले जाए। ओहो तुम कभी नहीं समझोगे, तुमने अपने बाप की दौलत से पागल बना रखा है और मुझे खानदान की इज्जत और शराफत में मजबूर कर रखा है। मजलूम बहन और यतीम भांजे की सरपरस्ती मेरा फर्ज है। इसके अलावा सब जहन्नम में जाए। अगर वो खुद जाना चाहे तो मैं भी उन्हें अलविदा कह दूंगा। शबक Thank you.
शमा अभी अभी आगे लेटर टाइप करके लाई थी ना, उसको तो मैंने पोस्ट कर दिया। और तुम्हारे दस्तखत? अभी अभी तो आपने किए थे। ओह, मैं भूल गया था। ये कागजात देखेगा? कल देख लूंगा, अब तो 6 बजने वाले हैं। अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं। ओह आई सी। माफ कीजिए, आप दिन ब दिन परेशान नजर आते हैं। हाँ, कुछ घरेलू वादार और नहीं, कुछ नहीं। दिन भर काम के बाद आपको सुकून चाहिए। सुकून? काश ऐसा होता। आज मेरे साथ चाय पीजिए और सिनेमा चलिए। तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, कोई हर्ज नहीं, 3-4 घंटे अच्छे गुजर जाएंगे। शुक्रिया, जाइए अपना काम कीजिए। Thank you.
सब डोले बाहर रसिया नैन मिठाया है क्या पग पग डोले बाहर रसिया नैन में छाया है क्या पलकों के छांव में पग पग ढोले बहारो सजनी नैनों में छाया है वालों के प्यार और मोहब्बत भरे नगमे मुस्कुरा रहे हैं। कितनी मासूम फिदा बुग्जो अनाथ और कुदरत से पाक बहुत ही भली मालूम हो रही है ये दुनिया। मियां बीवी एक दूसरे पर निछावर हो रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही सुकून मिल सकता।
क्या नाम है तुम्हारा? जायदा। कहाँ रहती हो? मैं इस हवा महल में। हाँ, अगर इसमें सुकून है तो इसे बहिष्ट भी कहा जा सकता है। खुश नसीब हो तुम लोग, खुलूस और सुकून की दौलत से मालामाल। लस्सी पाने के सिवा कुछ नहीं है हमारे घर में। दरअसल मेरा मतलब ये नहीं था, बल्कि आज लस्सी बड़ी मजेदार बनी है। कहो तो लाऊं? ले आओ। शुक्रिया। शक्कर? शक्कर तो नहीं है, आज ही खत्म हुई है। नमक की लाऊंगी। अच्छा अच्छा। कौन है बेटी? माँ, कोई शायर है। शायर? हाँ। शायर कौन होते हैं? शायर, शायर वो होते हैं जो मीठी मीठी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। माँ, थका हारा दिखाई देता है बेचारा। अच्छा, तुम यहाँ बुला ले बेटी। ओ शायर, इधर आओ। सलाम अम्मा जी। जिधर हो बेटा, मैं तुम्हारे लिए लस्सी लाती हूँ। बैठो बैठो बैठो। आराम से बैठो। जी ठीक ही बैठो। ऐसे नहीं, पांव ऊपर करके। जूते खोलने पड़ेंगे। मैं खोले देती हूँ। क्या? माफ कीजिए, मेरा मतलब है जरूरत पड़ी तो मैं खुद ही खोलूंगा। घर पर भी खुद ही खोलते हो? ओह, अब समझी, बीवी नहीं है तुम्हारी। अगर हो तो वो खोलेगी तुम्हारे जूते, तुम क्यों खोलोगे? आप देखो मेरे बाबा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, जब वो खेत से आते थे तो मेरी माँ उनके जूते उतारती थी, मुँह हाथ धुलाती थी, गरम गरम रोटी पकाती थी, फिर उन्हें खिलाती थी और उसके बाद उनके पांव दबारे बैठ जाती थी। हाँ, इतना बहुत सा काम किया करती थी। और बताओ, ऐसी किस तरह जबान चलाई जाती है? चुप रह। माँ बड़ा परेशान है बेचारा, इसकी शादी भी नहीं हुई। शादी हो चुकी है, एक बच्चा भी। अरे रे रे रे, फिर बीवी मर गई होगी। नहीं ज्यादा, तुम्हें बातों से पंचायत। सुन ले बेटा, भूख लगी हो तो गरम गरम रोटी डाल दो। नहीं अम्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वो अभी हाँ कह देता तो रोटी पका के कहाँ से खिला? घर में तो आटा भी नहीं। अरे पत्नी, वो कोई हमारी तरह नंगा भूखा थोड़ी है जो वहाँ करता। जा, वहाँ इलाचियाँ रखी है, रखा भी रख कर लिया। अच्छा। और लाऊं बेटा? जी नहीं बात, बस शुक्रिया। पत्ते तो है नहीं, ये इलायचियां हैं। लो लाओ, इन्हें रोटी के बाद खा लो। रोटी यहाँ खाओगी? मैंने सोचा तुम नाराज हो जाओगी, अब 8-10 रोटियां खाई। 8-10? माँ तो पकाऊ बेटा? नहीं माँ जी, ज़हरा पका ले। मैं? बहुत देर लगेगी, पहले आटा पीसूंगी, फिर आटा गूंदूंगी, फिर आग जलाऊंगी, फिर रोटी पकाऊंगी,
तब तक बैठोगे? हाँ हाँ बैठा रहूंगा, वरना तुम नाराज हो जाओगी। नहीं नहीं मैं नाराज नहीं होती, मगर फिर कभी आओगी तो रोटी खाकर ही जाने दूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। माँ जी तवाजो का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा ही अच्छा वक्त गुजर गया, अब इजाजत चाहूंगा। हाँ अगर आप बुरा ना माने तो लो ज्यादा चूड़ियाँ पहन लेना। नहीं नहीं बेटा ये हम नहीं लेंगे। इसमें हर्ज ही क्या है माँ जी, मैं तो ज्यादा को चूड़ियों के लिए दे रहा हूँ। लो हमारे यहाँ तो लस्सी मुफ्त मिलती है, तुम्हारे शहर में रुपयों से बिकती होगी। अरे तुम तो बुरा मना रहे, खैर हम खुद ही ला देंगे चूड़ियाँ। अच्छा माँ जी सलाम। जी तेरा आना जरूर बेटा, जब जी चाहे। जी जी ओ चाहे खैर खैर बात सुनो, फिर आओगे ना? वादा करो उस दिन गरम गरम मकई की रोटी खिलाऊंगी और ताजा ताजा मक्खन भी और इमली की चटनी भी, और हाँ पान की पत्ती भी जरूर मंगा के रखूंगी। आओगे ना? अच्छा फिर तो मैं जरूर आऊंगा और रोटी भी जरूर खाऊंगा। हाँ चूड़ियाँ जरूर लेके आना। अच्छा खुदा हाफिज। डैडी को राजी कर लो तो चलेंगे। अभी राजी करता हूँ, लेकर चलेंगे ना? तुम्हारे डैडी राजी हो जाएंगे तो हम इसको भी ले चलेंगे। तुम तुम्हें डैडी को राजी करो। अम्मी आजम ने तो आ गया सूट पहना, आपने हमें क्यों नहीं बनवा दिया? कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे मामू तुम्हें भी नए कपड़े बना देंगे। आज बहुत देर कर दी सरकार, तमाशा तो खत्म हो चुका होगा। आज तो खैर है सरकार, बेगम साहब सिनेमा जाने की तैयारी कर रही है, आपका इंतजार है। ओ अच्छा बच्चा सहम गया है। मेरे बच्चे तेरी आफत मुझ पर क्यों ना आ गई, तुम्हें इस मासूम बच्चे पर रहम भी नहीं आया। मेरा ईमान है अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं सकता, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं। सुभान अल्लाह किस कदर फराज दी है, अब इनसे कहिए कि गरम गरम तेल मुझ पर भी डाल दे ताकि ये किससे खत्म हो जाए। दानिश्ता तौर पर किसी ने आजम को तकलीफ नहीं पहुंचाई, अपने जहन से बुग्ध और गुस्से को निकाल दो फिर देखो हमारी जिंदगी किस कदर खुशगवार हो जाती है। किस कदर हसीन ख्वाब देख रहे हैं आप, काश मैं पहले ही दिन इस मकूले पर अमल करती। गुरबत उस दिन रोजे ओपन तो फिर ये मुफ्त के टुकड़े तोड़ने वालों के जुर्म क्यों सहने पड़ते? बदमिजाज तो तुम थी मगर अब गैर महजब भी होती जा रही हो। तो गोया अब आप गालियों पर उतर आए हैं। मैं फजूल बहस में पढ़ने का आदि नहीं, ये बात जहन नशीन कर लो। मंसूम और हामिद किसी घर में रहेंगे? तो फिर आप यहाँ रहने वाले पर लाना था, मैं सुबह ही चली जाऊंगी। पछताओगी। जैसे किसी कंगाल की बेटी हूँ। ये नौबत ही क्यों आए, इस झगड़े की बिना मैं हूँ। भाभी मैं हामिद के सर की कसम खाकर कहती हूँ मैं कल ही इस घर से चली जाऊंगी। हर गिर गलत दिल न कीजिए भाईजान, मेरी बदबख्ती को कोई नहीं रोक सकता, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। क्या तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद हमारा खून का रिश्ता भी टूट सकता है? कभी नहीं, लेकिन अगर हालात ऐसे हो जाए जिससे आपकी जिंदगी तबाह हो जाने का खतरा हो तो फिर हालात को बदल देना चाहिए ना कि खूनी रिश्ते को। दीजिए भाभी जान चल तस्मीन को रोक लीजिए भाई जान। सैलाब भी रुका है कभी, लेकिन इस बार मैं हरगिज लेने नहीं जाऊंगा, खुद ही जाएंगी खुद ही आएंगी देखा जाएगा। लो बेटा हम दफ्तर चले। हाँ ओके हाँ।
तुम नहीं आओगे। मैं कहती थी तुम जरूर आओगे। माँ हार गई, मैं जीती। जीत गई ना? मैं जीत गई ना? इस तरह तुम वापस जीत। ये क्या है जी? अभी नहीं दिखाऊंगा। दिखाओ ना, ना, ना। अच्छा तो चलो, माँ तुम्हें याद कर रही है, जल्दी चलो। कितने अच्छे हैं। तुमसे वादा किया था ना कि चूड़ियां लाऊंगा तुम्हारे लिए, लाता क्यों नहीं? यही तो मैं कह रही हूँ कि तुम वादे के बड़े पक्के हो। ये क्या है? और क्या क्या लाए हो, हमें भी तो बताओ। अरे जरा सब से काम लो, अभी दिखाते हैं। सबर सबर सबर, खैर खैर, बता तुम मोल लाए हो ना? मोल? हाँ। नहीं तो चुरा तो लाया हूँ। चुरा कर? अभी किसी ने देखा तो नहीं, और जल्दी से छुप जाओ। अरे भाई खरीद कर लाया हूँ, खरीद कर लाया। कौन सी दुकान से लाए हो, कितने की लाए हो? तुम्हें पेड़ गिरने से मतलब है या आम खाने से? हाय ना, आम भी लाए हो। सलाम अम्मा जी। जीते रहो बेटा। माँ मैं जीती, तू हारी। देखा, मैं ना कहती थी साइज जरूर आएगा, आ गया ना। माँ मेरे लिए चूड़ियाँ और तेरे लिए आम लाया है, सारे खुद ना खा जाना, एक तो मुझे भी देना। हाँ तेरी जबान बंद नहीं होती, चुप रह। मैं कहाँ बोल रही हूँ, चुप ही तो हूँ। तुमने हम गरीबों को याद तो रखा, अच्छे तो हो ना? जी अम्मा जी अच्छा हूँ। जायदा से चूड़ियों का वादा करके गया था, बस आना ही पड़ा। ये लो जायदा चूड़ी, तुम्हें बहुत पसंद आया। इसमें क्या है भाई, तुम खुद ही देख लो। ये किधर से खुलेगा? जल्दी खुलिए। ओह अल्लाह, कितने खूबसूरत है। ये तो मेरे लिए। और इसमें क्या है? इसमें क्या है जल्दी दिखाना। तुम खुद देखो। मैंने ये नहीं दिखाया, वरना इसका तो दम निकल जाता। ना दीदा है बिचारी, हमारे ऐसे नसीब कहाँ जितना महंगा तेवर मिले। तुमने बहुत खर्च कर दिया बेटा। नहीं माँ जी, ये तो चंद रुपयों की मामूली चीजें। अरे अरे मैं तो भूल ही गई थी, मैं तुम्हारे लिए सरसों का साग, गरम गरम मकई की रोटी और चटनी का लहसुन, लहसुन की चटनी तैयार करती हूँ। वो और क्या है? कुछ तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो अम्मा जी के लिए है। दिखाओ ना। नहीं नहीं दिखाओ। अरे मैंने दिखाया तो तुम मर जाओगी। मैं नहीं मरूंगी, दिखा देते हैं। छोड़ो। Thank you.
पहली बार मैंने किया है सिंगार, पहली पहली बार मैंने किया है सिंगार। ये ठीक है। हाँ
मर गई, कमर टूट गई। अच्छा भाई रहने दो, हम खुद ही चले जाएंगे। हाँ, मैं पहना दूँ। नहीं नहीं मैं खुद ही पहनूंगा। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं कहो। अपनी शायरी सुना दो। शायरी? हाँ, वो अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें जैसे उस दिन कर रही थी। किस दिन? अरे उस दिन कह रहे थे ना, ये खुली और साफ हवा और ना जाने क्या क्या। अच्छा अच्छा, तो तुम उसे शायरी समझती हो, फिर कभी सुनाएंगे। अम्मा जी जल्द जाऊंगा। अरे बेटा ये तो हमारी नेक बस्ती है, सच जानो जब तुम आ जाते हो तो दिल बल्लियां उछलने लगता है। अरे ज़्यादा लालटेन ले जा और इनको मोटर पर छोड़। चलो शायद जीते रहो बेटा। वादा है ना, अब के आओगे तो शायरी सुनाओगे? हाँ ज़ाहिदा, अगर मैं आया तो। क्यों अब नहीं आओगे? बात ये है, कुछ मजबूरियाँ ऐसी हैं जिनके शिकंजे में फंस कर रह गया। माँ सच्ची कह रही, हम गरीबों के। अरे नहीं नहीं तुम गलत समझ रही हो। मुझे भी समझा दो। ये रोशनी कितनी भली मालूम हो रही है, अगर मैं इसे पकड़ने की कोशिश करूं। अरे अरे हाथ जल जाएगा। और अगर मैं इससे दूर रहूं तो? तो अंधेरा छा जाएगा। मैं इसी कश्मकश में मुब्तला, तुम्हें कैसे बताऊं जाहिदा, मैं किस कदर उलझनों में फंस कर रह गया। मैं निकाल लूंगी इन उलझनों से। एक दफा मेरा बच्चा। हाँ? तुम्हारा बच्चा? हाँ हाँ, वो जुम्मा जो जुम्मे के दिन हुआ था, तुमने नहीं देखा? नहीं? मेरी बकरी का बच्चा बड़ा प्यारा है, तारों में फंस गया, मैंने उसे उसी वक्त निकाल लिया। सब हैरान रह गए। तुम्हारी ये भोली भाली बातें, बेसाख्ती सादापन मुझे फिर आने पर मजबूर करेंगे। अच्छा खुदा। तो बहुत देर कर दी हुजूर, बेगम साहब आजम मियां को साथ लेकर चले गए। ये तो होना ही था। खाना लेकर आती हूँ। खाने में खा कर आया, जाओ तुम आराम करो। तस्लीम को जाकर ले आइए, आखिर वो इस घर की रोशनी। बहुत तेज और इंतहाई नागवार। फिर भी लाना ही पड़ेगा उसे। वो खुद ही गई है, खुद ही आएगी। मुझे कुछ दिन सुकून से रहने दो। तुम कितने अच्छे हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने लाया हूँ। हाँ तो ये बताओ, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे डैडी से लड़कर आई है ना? हाँ लड़कर है। शाबाश, तुम सच्चे। गोया मैं झूठ बोल रही हूँ। सच नहीं, तुमने सख्त गलती की है। बेहतर तो यह है कि तुम पहले ट्रेन से वापस चली जाओ। जब तक वो मुझे खुद लेने नहीं आएंगे मैं हर चीज नहीं जाऊँगी। बस कर लो, वो तुम्हारी तरह बेवकूफ में जिद करके बैठ जाए तो क्या वो आपके एहसान भूल गए? सच नहीं, होश में आओ। मेरे ही एहसानात की वजह से वो तुम्हारी बदमिजाजी अब तक बर्दाश्त कर रहा है। क्या अजब है कि उसके सब्र का पैमाना जबरे से उचका हो। क्या कर लेंगे वो मेरा? वो तुम्हें तलाक दे सकता है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। और अगर वो ऐसा कर गुजरे तो याद रखो, मैं खुद को शूट कर लूंगा। ऐसा नहीं कहिए बजान। मेरी बच्ची, अगर तू अपने मिजाज पर काबू पा ले तो कितना अच्छा हो। मैंने तेरी खातिर उसे आला तालीम दिलवाई, हजारों रुपए खर्च किए,
और मुझे मौजम पर फख्र है। इंतहाई शरीफ, फरमा बरदार, एक बाप अपनी बेटी के लिए जो कुछ कर सकता है मैंने किया। मगर मेरे चांद, तेरी अज़दवाजी जिंदगी तो तुझी को सवारनी है। मगर कैसे? जूते खाकर तो नहीं? अगर ऐसा होता तब तक मैं राहत उसके गरबान तक पहुंच चुका होता। मगर ऐसी कोई बात नहीं, जाने किधर, आओ मैं तुम्हें खुद छोड़ा हूं। मुझे जरा दम से लेने दीजिए अब्बा जान। हो गए पति, छोटी आस भी पूरी हुई है कभी।
खूबसूरत भी अच्छा है। सुन जाओ, कोई रोग लगा बैठी हो क्या? फजूल बातें मत करो। चलो तो सही, वो मोटर वाला आया है। कौन मोटर वाला? अरे वही शेरी बाबू जिसके गम में तू भूली जा रही है। सब झूठ। अरे पगली दिल देख कर दे दीजिए, ध्यान नहीं आता है कभी। क्यों मेरा दिमाग चाट रही? जाओ यहाँ से। बात ना मानो भी तो पछताओगी। चलिए चल। पीछे से शायर आ गया तो छोड़ मां, अब वो कहां आता है? चलो शहर से। अच्छा चलते। मां वो तो शहर की गाड़ी खड़ी है। अरे पगली किसी और की ना हो। बाजी मैं क्या पागल हूँ? अल्लाह का तो मुझसे भी गाड़ी। इसकी कुंडी कहाँ है? चलो खिड़की से घुस जाती। अरे अरे मां जल्दी से बैठ जा, जल्दी कर जल्दी कर। वाँ 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 वाँ। मैं भी बड़ी उस्ताद, आखिर पकड़ ही लिया ना शायद। माँ बाजा बजाओ। बजा बाजे। तुम पूछने वाले कौन? गाड़ी मेरी है। जाओ हवा हवा खाओ। गाड़ी हमारे शायर की है। शायर की कहती थी कि किसी और की ना हो। तो सब उतर उतर। नहीं उतरते, ये शहर की गाड़ी है। हाँ तुम्हारा शहर गया जहन्नुम में। क्या कहा? तू जा जहन्नुम में। अभी शहर रहेगा तो वो पिटाई करेगा कि नन 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 ना नहीं याद आती। हाँ ए क्या चुरा रहा है? मेरी गाड़ी हो, मेरी पिटाई करती हो या पुलिस को बुलाओ। जा बुला ला, हमने कोई चोरी की है? काफी बुलाता हूँ। पुलिस आ गई तो आग दो कौड़ी की हो जाएगी। उतर नहीं उतर। अरे बाप रे, वो तो सचमुच पुलिस को बुला के ला रहा है। माँ अरे जल्दी उतर। मैं माता जी
भी किसी और की है। अरे अभी पकड़ो इन्हें। चहराना गुना है। कहाँ रहती है? हवा महल में। ललिया थाने। थाने चलो। नहीं जाते, थाने को यही बुलाना। हाँ लोग यहाँ। अच्छा है, अच्छा वो तुम आ गए। वो देखो, वो तुम्हारी जैसी गाड़ी है या नहीं। हम उस गाड़ी को तुम्हारी गाड़ी समझ बैठे। बस इतनी सी बात पर ये पुलिस वाला हमें थाने लिए जा रहा था। माफ कीजिए, इन्हें गलत फहमी हो गई है। ये अच्छे लोग हैं, मैं इन्हें जानता हूँ। बस अब क्यों सिटी गुम हो गई? अच्छा हुआ तुम आ गए बेटा, वरना इस ठोकरी तो हमें जलीली करा दिया। अरे माँ क्यों शिकायतें लगा रही है? देख ले दोनों एक जैसी है या नहीं। मैं संगीत शायर की मोटर हूँ, मेरा क्या कुछ। इस जैसी तो सैकड़ों गाड़ियाँ हैं। अच्छा? अम्मा जी शहर कैसे आना हुआ? कुछ सादा फुलूक लेने आई थी, तुमने तो हमें भुला ही दिया बेटा। हाँ माँ जी, कुछ हालात ऐसे हो गए मैं ना आ सका। क्या हो गया? बहुत दुखी दिखाई दे रही हो। माँ जी आपने शहर का काम खत्म कर लिया? हाँ हाँ, बस अब तो घर ही चलना है। चल रहे हो ना? आओ माँ। शायर इसकी कुंडी तो खोलो। बात ये है ज़हरा कि मुझे जरूरी काम है, वरना जरूर साथ चलता। आप लोग बस से आए हैं ना? हाँ हाँ। तो चलिए मैं आप लोगों को बस से बिठा दूँ। तुम तकलीफ ना करो बेटा, हम खुद चले जाएंगे। अच्छा अम्मा जी, मुझे फुर्सत मिली तो जरूर आऊंगा। खुदा हाफिज़। अरे ये इतनी गुमसुम क्या हो गई? चल माँ, शहर के लोग इतने रूखे क्यों होते हैं? रूखे भी और फीके भी। नहीं बेटा, ज़ायदा का ऊपर खुदा और नीचे तू। माँ जी लेकर आई थी, अब मैं कहाँ जाऊं? सब्र करो जाता, सब्र करो। माँ जी ने मरते वक्त कहा था, लहजा का ऊपर खुदा है नीचे तू। मैं माँ जी की रूह को मायूस नहीं करूंगा। नहीं छोड़ूंगा ज्यादा, दो दिन चार दिन आठ दिन, फिर भी रहना तो मुझे अकेले ही है। मुमकिन है मैं भी तुमसे अलग ना रह जाऊं। ओके। देखो ज्यादा, मैंने तुमसे दूर रहने की बहुत कोशिश की, मगर हालात ने चारों तरफ से घेर कर मुझे तुम्हारे नजदीक कर दिया, कदर नजदीक के मेरे इम्कान से बाहर।
मैं वादा करता हूँ तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा और इत्मीनान से बैठ के कोई फैसला कर। बहन मुमकिन है वो फैसला ही हमारी जिंदगी के अंधेरे का चिराग बनकर रह जाए। वो तो तुम्हें याद नहीं करते, फिर तुम क्यों उन्हें याद करते हो? वो तो दादी हमें याद करते हैं। तो फिर आते क्यों नहीं? आप भी रहते हैं ना सर। खामोश। आजम ठीक ही कहता। आपकी नजरों में तो मैं ही झूठी हूँ। तस्नीम, तुम मुझे और अपने शौहर को आजमाइश में डाल रही हो। अगर तुम्हारा घर बर्बाद हो गया तो याद रखो सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सर होगी। कुछ नहीं होगा अब्बा जान, चंद ही दिनों में आजम की सालगिरह, उसको तुम मुझे लेने जरूर आएंगे। मैं खुद वहाँ जाकर दलील होना नहीं चाहती। बस करो, अगर वो सालगिरह पर भी ना आए तो? तब उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं, आजम की सालगिरह मैं यहाँ मना लूंगी। शायद वो आ गए। अकेली ही आई हो? जी, वो क्यों नहीं है? जिस तरह आप भी नहीं है इसी तरह वो भी, फिर तुम क्यों आई हो? भाभी जान, शोहर और बीवी ने कुदरत में फर्क रखा, जिस छोड़ दीजिए और चलिए मेरे साथ, मैं नहीं जाऊंगी। क्या बकती हो? इसका मतलब है कि आप अपने घर की बर्बादी पर चली हुई। मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा और अब फिर कसम खाकर कहती हूँ कि मैं उस घर से चली जाऊंगी, मगर खुदा के लिए मेरे भाई को तबाही से बचा लीजिए। ना उन्हें कपड़ों का होश, ना खाने पीने का, दिन रात वो घर से गायब रहते हैं। बेवकूफ लड़की, घर तुम्हारा बर्बाद हो रहा है, शहर तुम्हारा हाथों से जा रहा है। कुछ कुछ तुम्हें लेने आई, और अगर अब भी इसके साथ तुम न गई तो याद रखो कोई भी तुम्हें लेने नहीं आएगा और सारी उम्र तुम पछताओगे। तो फिर वो मुझे लेने क्यों नहीं आते? वो कभी भी तुम्हें लेने नहीं आएगा। आओ बेटी कुर्सू। लो जाहिरा, लेकिन ये है आपका नया मकान। हाय लड़की, कितना अच्छा है। आदाब बजा लाती हूँ। क्या बजा कर लाओगी? बड़ी भी ये अफ्रीका में पैदा हुई है और वहीं बड़ी है, आज यहाँ आई है। आप इन्हें यहाँ के तौर तरीके सिखाइए जैसे एक माँ अपनी बेटी को सिखाती है। मैं हमेशा इस घर की वफादार रहूंगी और वैसे भी तो उम्र के लिहाज से आप दोनों मेरे बेटा बेटी हैं। ये इतने बड़े भी बेटे बनेंगे? ये बड़े आपके लिए हैं बेगम साहिबा, मेरे लिए अभी बच्चे ही हैं। ठीक है, बड़ी भी मेरा काम ऐसा है कि मुझे अक्सर घर से बाहर रहना पड़ता है। बच्चे बाहर ही खेला करते हैं और माँ घर की हिफाजत करती है, आप फिक्र ना कीजिए। अच्छा तो फिर खाना लगाइए। बहुत अच्छा, आओ जाएगा। देखो जाएगा, ये सब कुछ तुम्हारे आराम के लिए। सोफा, बैठो। बैठ ही जाएगा, बैठो। तुमसे नहीं जाएगा। अरे ये कुछ शीट है। इतना अच्छा है। तुम भी बैठो ना, आओ। ओ, माँ। ना? टूट गया ना? टूटा नहीं है, बल्कि आप ही गलत जगह बैठ गई हैं। बैठिए। नहीं, अच्छा दादा, वो रहा आपका बेडरूम, जाइए। बेडरूम? अरे बेडरूम नहीं, बेडरूम यानी सोने का कमरा, आराम करने का कमरा। अच्छा, इसमें नींद आ जाती है? हाँ, जाइए देखिए। ओह अल्लाह मियां, ये तो महल है। अल्लाह तेरी कुदरत, इतनी बड़ी झोपड़ी।
जाहिदा ही थी, मगर अब तू जाहिदा बेगम है। बेगम? बेगम क्या हुई? अरे पगली, शायर की बीवी, शायर के दिल की मलिका। ये क्या कह रही है? ये ठीक ही तो कह रही है। अब आप जाहिदा नहीं है बल्कि जाहिदा बेगम, और मैं भी आज से आपको जाहिदा बेगम कहा करूंगा। अच्छा हा? और मैं तुमको भूलोगी, आपको क्या कहा करूं? जो दिल चाहे कह दो। मेरी माँ मेरे बाबा को जाहिदा के अब्बा कहा करती थी। मैं आपको किसके अब्बा कहूँ? मुझे भाई ये जरा टेढ़ा सवाल है। सीधा कर दो, सीधा कर दीजिए। अच्छा तो फिर मुझको किसी के भी अब्बा कह दिया। किसी के भी अब्बा? आप बहुत अच्छी हैं और बहुत। और बहुत क्या? प्यारे। अरे हाँ जाहिदा बेगम, हम आपके लिए एक चीज लाए। कहीं बाहर मोटर में, अभी लाते हैं। बड़ी अच्छी खुशबू, बड़ी मजेदार। तो बैठो खूब खाओ।
जरा देखो तो बड़की ने क्या क्या बनाया है। मुर्ग, मुर्ग पलाव, मछली और कोरमा। ये खूब खूब कौन सा खाना है? अरे भाई आप कहाँ बैठ गए? खाना खाना है ना, तुम भी बैठ जाओ। ये कुर्सियाँ कहे की नहीं है, कुर्सी में बैठो। ये लो। मेरे करीब बैठ जाओ। अच्छी बात, ठीक है। ये क्या करती है? अरे आप गलत सुनिए, बैठ गए। बैठा तो सही था मगर फिर भी गलती हो ही गई। माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, नाराज तो नहीं। Hey!
मुँह हाथ धो लीजिए। अरे भाई खुद जाकर धो लेंगे। मैं किस लिए हूँ, जल्दी से कुल्ली कीजिए, चाय भी आ रही है। अच्छा मिल गए। अगर आप खफा ना हो तो मैं कुछ कहूँ? जरूर कहो। तस्नीम और आसम को ले आइए, सालगिरह भी धूमधाम से होगी, घर में चहल पहल भी रहेगी, आप भी खुश होंगे और मेरा भी खून बढ़ जाएगा। मैं तस्नीम को खुद जाकर नहीं लाऊंगा, कभी नहीं लाऊंगा। आदम को मायूसी होगी, आप तो कह रही थी हर साल सालगिरह मनाते रहेंगे। मैं आजम के बगैर भी सालगिरह मनाऊंगा। फिर मैं वहां आ जाऊं। गजब हो जाएगा, वहां तस्नीम न सही कुलसूम जरूर होगी और भी लोग होंगे। तो मैं वहां आपकी बीवी बन के थोड़े ही आऊंगी। तो क्या बनकर आओगी? मैं शायर की बीवी बनकर आऊंगी। और लोग पूछेंगे शायर कौन है? फिर मैं कहती हूँ ये इसका मतलब ये हुआ कि हम बिस्मिल्लाह में पकड़े जाएंगे। मैं कोई पागल हूँ? आप देखिए तो सही, मैं तूफान बनकर जाऊंगी, बिजली बनकर चमकूंगी और आंधी बनकर वापस आ जाऊंगी। सुभान अल्लाह, वाकई शहर की बीवी हो, मगर फिर भी आपको वहां नहीं आना चाहिए। अगर तस्नीम होती तो मैं नहीं आती, आप वहां अकेले होंगी, मैं आकर आपका हाथ बता दूंगी। आप मुझे ठीक ठीक पता दे दीजिए, मैं बड़ी बी को लेकर आ जाऊंगी। पता तो मैंने बड़ी बी को इसलिए बताया है कि कोई जरूरत पड़ जाए तो मुझे इतना दे दें, मगर आप ना आइएगा। आज सालगिरह है, सारा इंतजाम करना है, मैं चलूंगा। चाय पी लो। भाई आजम जी, आज तो हम चकमा खा गए हैं। भाईजान कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ। वो खादी जाना ही है। अच्छा, वालेकुम सलाम। हुजूर की मिजाज तो अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह। कब तशरीफ लाए? आज सिर्फ पांचवा दिन है। पांच दिन? जी, पांच दिन हो या पांच महीने, बहरहाल तुम घर से गायब रहने लगे हो, वजह साफ जाहिर है। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम रहते कहाँ हो? अगर हुजूर गुस्ताखी तसव्वुर न फरमाए तो मुझे भी कुछ पूछने का हक दीजिए। मैं इससे कबल ही इसकी वजाहत किए देता हूँ। बेशक तस्नीम नाकिसुल अक्ल है, ये औरतों के सबके से मुतालिक होकर रह गई है जो बने बनाए घर को उजाड़ कर रख देती हैं। लेकिन चूंकि तुम खुद इस घर के मालिक हो और तस्नीम को सरजनिश करने का पूरा अख्तियार रखते हो, इसलिए तुम भी बरी जिम्मा करार नहीं दिए जा सकते। तस्नीम के बारे में हुजूर का नजरिया अदल गुस्तरी की दलील है, मगर चूंकि मैं आपका बारे एहसान हूँ। एहसान जताना इंतहाई कमीनगी है। मैंने कारोबार के लिए तुम्हें 2 लाख रुपया दिया, वो तुमने वापस कर दिया। तस्नीम के इन्हीं तानों ने मेरा कलेजा छेद कर रख दिया। जब भी घर में कदम रखा, शोर शराबा, चीखो पुकार, कलसूम को गालियां, हामिद को मारती। शादी के बाद एक दिन एक लम्हे के लिए भी मुझे सुकून नहीं मिल सका। ये जानते हुए भी कि तस्नीम बदमिजाज, गुरूर और नफरत का मुजस्मा है, मगर चूंकि यह आपका खून है, इसलिए आप अपने आप से जुदा नहीं कर सकते। तब फिर खुदारा बताइए, मैं कलसूम और हामिद को दर दर की ठोकरें खाने पर कैसे मजबूर कर सकता हूँ? क्या ये मेरा खून नहीं है? बेशक न तुम हामिद और कलसूम को जुदा कर सकते हो और न मैं तस्नीम को। शादी मर्द और औरत में एक दूसरे की जिंदगी को खुशगवार बनाने का मुआहदा होता है। अगर फर्क कीजिए फरीकैन में से कोई भी इस मुआहदे की पाबंदी न कर पाए तो सूरत हाल बड़ी नाजुक हो जाती है। वो वक्त अब करीब आ चुका है। हर शख्स को जिंदा रहने के लिए अम चाहिए, सुकून चाहिए, मैं भी यही चाहता हूँ। वरना चंद दिनों बाद आप मुझे पागलखाने में पाए। देखो बेटा, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे शर्मिंदा न कीजिए। खुदा के लिए कोई ऐसा फैसला न कर बैठना जिससे हम सबकी बदनामी हो। सुन रही हो, शौहर के मुंह से निकला हुआ तलाक का एक लफ्ज हजारों मन पत्थर के बराबर है, जब मुझ पर आकर गिरेगा, जिससे न मेरे गोश्त पोस्ट बल्कि हड्डी पर निशान नहीं मिलेगा। खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए भाईजान, इन्हें माफ कर दीजिए ना। इसे माफ कर दो बेटा, अगर आइंदा इसने अपने मिजाज को न बदला तो खुदा की कसम मैं अपने हाथों से इसका गला घोट दूंगा। खुदाई में अच्छी बीवी बनने की तौफीक। आमीन।
अब तुम भी वादा करो इसकी पिछली बातों को और अपने जहन से इस ख्याल को निकाल दोगे कि सुकून हासिल करने के लिए दूसरी शादी करना जरूरी है। जी अपने बेटे से वादा ने कोठी है। कितनी अच्छी रोशनी है बड़ी दी। तुम वहाँ बैठो मैं अंदर जाती हूँ। सिगड़ी लाइए। तुम कौन हो जी? मैं साहब की सेक्रेटरी हूँ। सिगड़ी वो क्या होती है? उनके दफ्तर में मुलाजिम हूँ। मुलाजिम तो फिर हमें अदब से सलाम कर। आदाब अरला। अब अंदर तशरीफ ले चले। इसीलिए तो आई हूँ। आज आजम मियाँ की सालगिरह है ना? जी चलिए। तस्लीम बेगम आ गई है ना? उनके आने ना आने से क्या फर्क पड़ता है? बच्चे की सालगिरह थोड़ी ही रुक जाएगी। पागल है। इतना अच्छा शौहर मिला है हजारों में अजी लाखों में मगर वो बड़ी बदमिजाज। जरा सोचिए तो सही बच्चे की सालगिरह हो रही है और खुद मायके रूठ कर बैठ गई। ए छोड़िए इन बातों को। आप तस्लीम अंदर ले चले आइए। आपकी तारीफ? मेरी तारीफ? आपको क्या बताऊं? उन्होंने तो मना किया था मगर मैं चली आई। किसने मना किया था? मेरे मियाँ ने। और किसने? फिर चली क्यों आए? वाजिबा बच्चे की सालगिरह हो और मैं ना हूँ। चाहिए आओ बहन। वहाँ तो खड़ी हो। आप कौन है और कहाँ से आई हूँ? समझो मैं ही इस घर की मालिका हूँ। तस्लीम को तो जानती होगी। क्यों नहीं? भला सोचो तो सही ऐसी भी क्या थी? ना बच्चे का ख्याल ना शोहर का ख्याल। ऐसी औरतों का तो मुंह नोट लेना चाहिए। आइए। आपका नाम? नाम को छोड़िए काम देखती। वैसे मेरा नाम जाहिदा है। देखिए तो सही सारा इंतजाम मुझी को करना है। आप जरा अंदर चले मैं मेहमानों की देखभाल कर लूँ। आपके शोहर का क्या नाम है? मैं उनका नाम नहीं लेती उन्हें शायद कहती। सिर्फ शायद? जी। कहाँ रहती हैं आप? यहाँ से बहुत दूर रहती हूँ। यह आपको किसने बताया कि तस्लीम बदमिजाज है? अच्छी बदमिजाज ना होती तो भला मियाँ से क्यों रोक जाती? और देखी तो सही बच्चे की सालगिरह पर भी ना आए और बच्चे को भी वही रोक ले। ऐसी औरतों की तो मोटे डंडे से खबर लेनी चाहिए। हाँ। ओह आप ऐसा नहीं है? उनकी कुछ तबीयत खराब थी उन्होंने मुझे भेज दिया है आपका हाथ बताने। क्या है? शायर भी अजीब आदमी है। इनसे मिलिए मेरी बीवी तस्लीम। मेरा बच्चा आजम। ये तस्लीम तस्लीम ये दोनों मियाँ बीवी बाहर से आए हैं। एक दिन सरसरी तौर पर मैंने तुम्हारा जिक्र कर दिया उन्होंने इन्हें यहाँ भेज दिया। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं आपका कोई कसूर नहीं है। कसूर तो इनका है जो मुझे सब में बदनाम करते थे। खैर अब सब झगड़े खत्म हो गए। आइए चलते। आइए आजम की सालगिरह मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एक अजूबा रोजगार मगर मौजूद मेहमान से तारुफ कराते हैं। आप हैं जाहिदा बेगम और आपके मियाँ शायर हैं और खुद भी शेर कहती हैं। फिर तो बड़ा मजा रहेगा। शेर और शायरी से महफिल की शान दोबाला हो जाएगी। हाँ बहन कुछ सुनाइए। मगर मैं तो शायर नहीं। शायर तो मेरे मियाँ हैं। उन्हीं से सुना दीजिए और अगर तरन्नुम से सुनाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तरन्नुम से शेर तभी अच्छा लगता है जब गाकर सुनाया जाए। Thank you.
सुनकर बेहद खुशी हुई। शुक्रिया, मैं अब जाऊंगी, मेरी कुछ तबीयत खराब हो रही थी। जरा ठहरिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ाऊंगी और आपके शौहर का भी शुक्रिया अदा करूंगी। जी नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। आप मेहमानों का ख्याल कीजिए, आप इन्हें इनके घर तक पहुंचा दें, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। तशरीफ लाइए। खुदा हाफिज। मैंने मना किया था ना कि वहां ना आना। मुझे क्या मालूम था तस्नीम आ जाएगी। चलो अच्छा हुआ, देख तो लिया। अरे भाई, जब मैं यहाँ से घर पहुँचा तो उनके वालिद उसे लेकर आ चुके थे। हाँ, उनके वालिद भी अक्खड़ और और क्या सूरज शक्ल के भी ऐसे ही होंगे जैसी तस्नीम है। अच्छा अच्छा, आ गया गुरु। लो आसिम, मैं ये थोड़ी ही कह रही हूँ कि तस्नीम बदसूरत, मैं तो बल्कि उसका एहसान मानती हूँ कि मैंने उसे उसके मुंह पे बुरा भला कहा और वो खामोश हो गई। अरे वो तो खैर हुई जो मैंने ये कहकर कि तुम कुछ पागल हो बात निभा दी, वरना जन्नाटेदार तमाचा पढ़ने ही वाला था। तो मैं कब चूकने वाली थी, पागल बनकर एक तमाचा तो टिका ही देती और जल्दी से हार जाऊंगी। और हाँ दादा, तस्नीम ने मेरे पैर पकड़ से माफी मांग ली, उसके वालिद के मुझको और वो बजाते को नहाय शरीफ इंसान है, मुझसे सजाएं भी है कि मैं तस्नीम पर सौतन न लाऊं वरना वो तो गोली मार देंगे। फिर आपने वादा कर लिया? नहीं, मैं खामोश रहा, इसका मतलब उन्होंने यही लिया है। मगर दादा, ये सब बातें शादी के बाद की, हो सकता है आज की बातों से तस्नीम को कुछ छुपा हुआ, मगर मैं उसके जहन से ये शुभ दूर कर दूँ, शायद तक दिल तक तुझे नहीं मिल सकता। परेशान तो नहीं जाओ, मैं तो खुद कह चुकी हूँ, 15 ने आप तस्नीम के हैं और 1 आने लिए, लेकिन हमेशा के लिए ना भूल जाइए। ये गैर मुमकिन, बस फिर मुझे क्या गम, खुदा करे तस्नीम का रवैया बदल जाए और वो आपको खुश रख सके, आमीन, ताकि मुझे भी खुशी हो। सुम्मा आमीन। अब थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। ये काम मेरा। तुम्हारी आवाज सुनी, एक घबराहट में सिर्फ अच्छी पहन के भाग आया। अल्लाह आप पर रहम करे। आमीन। आदा, कई दिनों की डाक जमा हो गई है, आज देखिएगा। निशमा? यस सर। कुछ नहीं, तुम जाओ। आप कुछ कहना चाहते थे, रुक क्यों गए, फरमाइए। फर्ज करो तुमसे कुछ गलती हो गई हो और उसके बाद तुम ये वादा भी कर लो कि आइंदा गलती नहीं करोगी, तुमसे जवाब तलब किया जाए, उस वक्त तुम्हारा रवैया क्या होगा? मैं माफी मांग लूंगी। और अगर तुम उस गलती को छुपाना भी चाहो तो मेरा भी वही हाल होगा जो आजकल आपका हो रहा है। ओहो, तुम न जाने क्या समझ बैठी। मेरा तो ख्याल है आप अपने किसी राग पर पर्दा डालेंगे, इसी वजह से आपकी सेहत खराब हो रही है। राज और उसे सीने में दबाए रखना, किसी न किसी दिन ये सीने को चीर कर रख देगा, मुझे खत्म कर देगा। बेटी, उन्हें तुम्हारी इस हालत की तो इत्तला देना जरूरी है। नहीं, मैं ठीक हूँ। जाहिदा, आप खुदा का शुक्र है आप आ गए, कैसे हैं आप? अच्छा, माफ करना जाहिदा, सालगिरह के दिन तस्नीम को तुम्हारे बारे में कुछ छुपा हो गया था, उसका जहन साफ करने के लिए। बस
मैं आपसे जवाब थोड़ी ही मांग रही हूँ। आपकी खुशी मेरी खुशी। घर में सब अच्छे हैं? आजम अच्छा है? हाँ सभी अच्छे हैं मेरे सिवा। क्या हो गया है आपको? तबीयत बहुत परेशान रहती है ज़ाहिदा। हर वक्त यही खतरा दरपेश है, कहीं ये राज न खुल जाए। इधर तुम्हारी याद सताती है, खुद को कोसता रहता हूँ। शादी करके तुम्हें कैदखाने में बंद कर दिया। कैसी बातें करते हैं आप? अगर मेरी वजह से आपकी परेशानियाँ और बढ़ गई हैं, तो फिर मुझे मत जाना चाहिए। लाहौल वाला कुवत से क्या समझ बैठी? आप मेरी बिल्कुल फिक्र ना करें। चाहे आप 2 महीने में आए, 2 साल में आए, 10 साल में आए, मैं आपसे कभी शिकायत नहीं करूँगी। मैं आपकी तंदुरुस्ती के लिए दुआएं मांगती हूँ और हमेशा मांगती रहूँ। नाश्ता कर लीजिए। मुआफ़ फिर गिराने का इरादा है। कुर्सी हटानी हो तो मुझे बता दीजिएगा। बड़ी भी अंडे और नहीं बनाए? सिर्फ साथ ही खाएंगे। ज्यादा नहीं खाएंगे? जी नहीं। क्यों? बड़ी भी ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। अंडा मुर्गी मछली सब खाना बंद। वजह? इन्हें अब कोई गर्म चीज नहीं दी जाएगी। ये बात है। अरे हमें भी तो बता। मैं क्या जानूं? तुमने देखा माजवीन, ये कितना खुदगर्ज है। आज मेरी पहली सेंचुरी बनने वाली थी, इसीलिए तो मैंने इतना लूज बाल दिया था, मगर आखिर खुद ही कैच कर दिया। मैंने अल्लाह मियां की तरफ दुआ के लिए हाथ बढ़ाए थे कि आजम की सेंचुरी बना दे, मगर बाल खुद ब खुद मेरे हाथों में चलाया, तो मैं क्या करूं। खैर कल सही, जो ही तुम बैट करने आओगे वो बाल दो के तुम्हारी नाक ही टूट जाए। हामिद मियां खैर मनाइए, कभी नाक और कभी आंख छोड़ी जा रही है आपकी। अजी मैं तो इनका खादिम हूँ, इनकी खफगी सारा आंखों पर। मुझे तो अपने हीरोइन की खुशी चाहिए। गोया ड्रामे में महाजबीन अगर आपकी हीरोइन है तो आप परमानेंट इन्हें अपनी हीरोइन समझ बैठे। हजूर की मौजूदगी में भला ये गुस्ताखी कर सकता हूँ? गुस्ताखी की और मार पड़ी। अगर मारता की सजा महदूद है तो गुस्ताखी करने को जीत आता है। कहीं स्टेज पर ही ना दोनों लड़ मरे आप? इसका भी इम्कान। तो भाई पहले से फैसला कर दो, एक तरफ ग्राम मोहतरम आजम खान साहब और दूसरी तरफ फकीर फकीर हामिद। पहले दोनों समझौता कर लो, अगर मस्कीन महजिबी किसी एक को पसंद कर ले तो दूसरा से मंजूर कर लेगा। मुझे मंजूर है? मुझे मंजूर नहीं। पर महजिबी अपना फैसला महफूज रखे। गुड इवनिंग मम्मी। चल है बड़ी आई मेम बनकर। अरे किसी तरह सलाम किया कर। अच्छा अच्छा अदाब उम्मी जान, जीती रहो मेरी प्यारी बेटी, आप कितनी अच्छी हैं। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? हाँ ये क्या पागलपन है? वो प्यूरी लड़के कौन थे जिनके साथ तू आई? वाह बड़ी दी, बड़ी चालाक हो। काम काज करने को कही तो कहती है मुझे दिखाई नहीं देता, मगर ऐसा मालूम होता है कि चौड़ा तबक रोशन है,
तभी तो इस घर में 18 साल गुजार दिए हैं। जवाब दे, ये कौन थे? वरना इस लकड़ी से तेरा सर तोड़ दूंगी। अरे रे बड़ी भी, वो तो कॉलेज के लड़के थे। वो तुम्हारे साथ यहाँ क्यों आए? मैंने आपको बताया था ना, हमारे कॉलेज की तरफ से एक ड्रामा हो रहा है जिसमें मैं भी पार्ट कर रही हूँ और ये दोनों लड़के भी पार्ट कर रहे हैं। मैच से बाहर निकले तो ये मिल गए और मुझे घर तक छोड़ने आ गए। हमें तो कुछ पैदल भी घर छोड़ने नहीं आता और तुझे मोटर में छोड़ने आते हैं। आने दे तेरे बाप को, फिर बात। देखो बेटी, तुम्हारे अब्बा तो ज्यादातर बाहर रहते हैं। तुम्हें कहने सुनने वाली मैं हूँ या बड़ी हूँ? अम्मी तालीम का मकसद ये है कि अपने भले बुरे को लड़की पहचान सके। फिर भी एहतियात जरूरी है। मैं अपनी जिम्मेदारी को खूब समझती हूँ, सिर्फ माँ बाप की बेटी हूँ। अम्मी डैडी कब से नहीं आए? उन्हें मालूम है कि अब तुम छुट्टियों पर घर आई हुई है, एक दो दिन तक आने ही वाले हैं। सुना है उनकी कुछ तबीयत खराब, तो फिर हम कुछ चले उनके पास? नहीं बेटी, वो हमसे बहुत दूर, खुदा जाने हमें अब्बा जान वहाँ क्यों नहीं ले जाते। हर इंसान के साथ कुछ मजबूरियाँ होती हैं, फिर भी बीवी बच्चों से इतना दूर तो नहीं जाना चाहिए। कहीं अब्बा जान किसी खबरदार जो कभी कोई ऐसी बात मुझसे निकाले। मेरे जैसा अब्बा खुदा सबको दे, कितने शरीफ और कितने सटीक। नेक बेटे अब्बा से ऐसे ही प्यार करती हूँ। शाबाश मेरी अम्मी। तंग आ चुका हूँ इन दवाओं से। तो कोई डॉक्टर नहीं जिससे मशवरा ना किया गया, मगर खुदा जाने कौन सा मर्द जिसकी तशख़ीस अभी तक न हो सकी। इस मर्ज का इलाज तो सिर्फ मौत। तौबा कीजिए भाईजान, आप हर वक्त ऐसे मायूसी की बातें क्यों क्या करते हैं? आजम और हामिद दोनों आपके बाजू, दोनों की शादी होगी, घर में चहल पहल होगी। हाँ हाँ सब कुछ होगा, लेकिन मैं शादी ब्याह के चक्कर में फंसना नहीं चाहता। दोनों अपने अपने लिए लड़की पसंद कर लें, निकाह मैं पढ़वा दूँ। आजम हमेशा एक लड़की के बारे में जिक्र किया करता है और मजे की बात यह है कि हामिद तो उसी लड़की के गुनगाता रहता है। तुम्हें से किसी ने उस लड़की को देखा भी है? मैंने उसे देखा है। गुड इवनिंग डैडी। अस्सलाम वालेकुम हामिद जान। आओ भाई आओ। सुनाओ तुम्हारे मैच का क्या रिजल्ट रहा? डैडी आज तो मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ। मेरी पहली सेंचुरी बन रही थी, एक रन बाकी रह गया था कि हामिद ने मुझे आउट कर। सुनाओ भाई हामिद, ये क्या बात हुई? मामू जान मैंने जानबूझ कर इसे लूज बॉल दिया था। आजम ने जोर से हिट लगाई, मैंने इसकी सेंचुरी की दुआ के लिए दोनों हाथ उठाया तो बाल मेरे हाथ में आ गया। भाई फिर तो तुम दोनों को शाबाश है, आजम ने 99 रन बनाए, हामिद ने आउट कर दिया। अब भाई मुखालिफ टीमों में खेलोगे तो ऐसा ही होगा। तब से ये दोनों रास्ते में लड़ते हुए आए होंगे, इसीलिए तो दोनों आपस में लड़ते हैं कि भाईजान इनकी सुलह कराएंगे और चॉकलेट भी देंगे। ना भाई ना, अब मुझने इतना दम कहा कि तुम दोनों को गोद में उठा कर सुलह कराऊं। तो डैडी आज फिर हम उठा। अरे भाई अरे लड़को चॉकलेट पर सुलाना करना, गुड़िया जैसी है कि दुल्हन मांग लो इनसे। दुल्हनों का इंतजार तो तुम ही करोगी, हम तो चॉकलेट के वादे पर टरखा देंगे। चलो भाई चलो चापा। मोहतरम ख्वातीन और हजरात, हम अपने कॉलेज की तरफ से एक ड्रामा दुख्तरे कश्मीर आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। हमारा मकसद मुल्क के दिफा के लिए रकम जमा करनी है। हमें उम्मीद है कि आप हमारी इस हकीर पेशकश को सराहेंगे और दिल खोल कर इसमें ज्यादा से ज्यादा रकम देकर हमें और कौम को शुक्रगुजारी का मौका देंगे।
क्या कह रहा है। जवाब नहीं आपकी अदाकारी का, हर शख्स तारीफ से पुल बांध रहा है। आपको पसंद आए तब मैं खुद को खुश नसीब समझूंगी। मुझे तो ना सिर्फ अदाकारी बल्कि आप खुद बहुत पसंद है। सच है, दिल से दिल को राहत होती है। महजबी मुझे ये बेल मिले चढ़ती नजर नहीं आ रही। क्यों? मैं गरीब हूँ और आजम मालदार होगा।
दिलों के सौदे दौलत से नहीं होते हमें। फिर भी आजम, क्या फरमाया जा रहा है आजम साहब के बारे में? ये कह रहे थे कि आजम साहब ने लाजवाब अदा करी थी। और आपका क्या ख्याल है? यही ख्याल मेरा भी है। और मुझसे पूछिए तो आप दोनों की अदाकारी बिल्कुल बकवास थी। किसी ने सच कहा है, फर्क आंखों में नहीं, फर्क है बिनाई में। हुनरमंद हुनर देख। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या खूब फरमाया आपने। हुनरमंद हुनर देखते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अजी, ये तो मैं पहले से ही जानता था कि आप महजबीन की तारीफ कर रहे होंगे और महजबीन आपकी। खैर, ये मसला थोड़े दिनों में हल हो जाएगा। अब जल्दी से लिबास तब्दील कर लीजिए, बाहर काफी लोग ऑटोग्राफ लेने के मुंतजर हैं। आप चलिए, मैं आती हूँ। चलिए। महजबीन, लो आ गए तुम्हारे अब्बा। बेटा महजबीन। अब्बा आदाब, अच्छी तो है। अब मेरा ख्याल है मुझे आने में देर हो गई। अभी जिद कर रही, कह रही थी जब तक अब्बा नहीं आएंगे मैं नाश्ता नहीं करूंगी। अरे भला ये कोई बात है? देखो, हम तुम्हारे लिए क्या लाए, तुम्हारी अम्मी के लिए चादर और तुम्हारे लिए गरारा सूट। लो अभी पहन के आओ। पहले नाश्ता तो कर लो। अम्मी कितने अच्छे हैं ये कपड़े, कितने अच्छे हैं मेरे अब्बा। मैं अभी आती हूँ, अभी कपड़े पहन के आती हूँ। बेटी तो उसी माँ की है ना, आखिर मुद्दत की जेवर और सिंगारदान देखकर बेहोश हो गई थी। बेहोश ना होती तो यहाँ तक कैसे पहुँच। अब कैसी तबीयत है आपकी? नासाज है ज्यादा, इख्तलाज हो जाता है। डॉक्टरों ने तो चिड़िया चढ़ने और उतरने से भी मना कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो वक्त करीब आ जाए और मैं तुमसे मिल भी ना सकूं। खुदा ना करे, आप जल्द अच्छी हो जाएंगी, मायूस ना। माँ जबी माशाल्लाह जवान है, अब उसकी शादी का सवाल है। मेरे लिए भी मुश्किल हो रही है। जबीन अभी अभी कह रही थी कि कोई ऐसी बात जरूर है जो मुझसे पोशीदा रखी जा रही है। माँ जबीन बड़ी हो गई है, मुश्किलात तो जरूर होंगी। और इधर सेहत मुझे जवाब दे रही है। एक बात की वजह से मैं कल से परेशान हो रही हूँ। क्यों, खैर तो है? कल तो लड़के जबीन को छूने यहाँ आए थे। कौन थे वो? उसने मुझे बताया नहीं, शायद वो राज मुझसे छुपाना चाहती है। ओह बाबा, इसी रात में तो मेरी जिंदगी ले जा रही है, हर चीज उसकी नजर होकर रह गई है। मैं कहता हूँ अब्बा जान। माशाल्लाह माशाल्लाह। आदाब अब्बा जान। आदाब, आओ बैठो आओ। हमने कहा था ना, हम अपनी बेटी के लिए गरारा सूट और जेवर उस वक्त लाएंगे जब वो बीए पास कर लेगी। फिर सोचा माशाल्लाह होशियार है, पास तो हो ही जाएगी, क्यों ना अभी ले चलो। शुक्रिया अब्बा जान, मगर हमें आपसे शिकायत है, आप महीनों नहीं आते और हम देखने को तरह जाते हैं। जब ये अपनी अम्मी से पूछ रही थी कि तुमसे क्या बात छुपाई जा रही है। कुछ बात नहीं है बेटी, मेरा तो कारोबार ही ऐसा है कि बाहर रहना पड़ता है। मगर आप बहुत कमजोर हो गए हैं, कुछ दिन आराम कीजिए। अभी नहीं, जब तुम ये पास कर लो। तुम्हारे कॉलेज का क्या हाल है? अच्छा है बाजान, पूरी तरह से पढ़ाई कर रही है। हाँ, तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बेटी। तालीम के अलावा तुम्हें अपने मेल जोल में भी ख्याल रखना चाहिए। अब्बा जान, मैं एक शरीफ माँ बाप की बेटी हूँ, मुझ पर भरोसा रखिए। बेशक बेशक, तुम एक शरीफ माँ और मजबूर बाप की बेटी हो। Thank you.
टू थ्री लो हो गई खेप। आप हैं के बाल की खाल निकाल रहे हैं। है सुभान अल्लाह क्या सूरत पाई माशाल्लाह। नाक तो ऐसे है आपकी जैसे पकौड़ी मल तेल में करेले चल रहा हो। अपने बारे में कुछ कह रहे हो? आहा कुर्बान जाइए इस चांद की मूरत के। एक बार नहीं हजार बार कुर्बान जाऊं इस हसीन महजबी पर। बड़े बदतमीज होगी अपनी होने वाली भावज के बारे में झूलन तरानी कर रहे हो। भावज भावज तो आपकी होगी नजूर। हमारा तो ख्याल है ये दिल से आपकी भावज हो चुकी। अरे बिल्कुल गलत। बकवास बंद करो वरना फूफी जान से कह दूंगा तो वो दो हत्थर लगाएंगी कि इस मुझ सब भूल जाए। बरसों से मार खाते चले आए और फिर बिना वजह। इसके लिए मार तो क्या मरने के लिए भी तैयार हूँ। किसके लिए मरने के लिए तैयार हूँ? फूफी जान इसका दिमाग खराब हो गया है। कभी कभी बहती बहती बातें करने लगता है। क्या करूँ बेटा मार खा खा कर इसकी पेट तो पत्थर की हो गई है और मेरे हाथ कागज के होकर रह गए हैं। फूफी जान जरा ये तो बताइए मेरी बीवी अगर इस घर में आएगी तो ये उसे क्या कहकर पुकारेगा? उसे अदब से पाही जान कहकर पुकारेगा। बोलो बच्चू जी कहो भाभी जान। और अगर मेरी बीवी आई तो ये क्या कहेंगे? तुम आजम से छोटे हो इसलिए ये तुम्हारी बीवी को भावज भी कह सकता है। और अजीबा जी सूचना का पास जुलाए के लठम लठम लड़कियाँ भी किसी को मिली नहीं। अलकाब वाला अभी से तय हो रहा है। चलो भाई वो नाके पर इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई कहाँ हो तुम सब लोग? जो कमरे में जाता है वही का होकर रह जाता है। शादी के मामले तय हो रहे हैं। एक लड़की इन दोनों को पसंद है उसे आशाम चाय पर बुला रहे हैं। लड़की इन दोनों में से किसको पसंद करती है? पहले आजम का रिश्ता होगा और फिर हामिद का। नहीं भाई नहीं इन दोनों से कॉल ले लो वरना जंग अजीम शुरू हो जाएगी। आप इजाजत तो दे तू उसे आशाम चाय पर बुला ले फिर जो होगा निपट लेंगे। अच्छा भाई बुला लो। चलो बैठो नाश्ता समझो नाश्ता ले आओ। दे दो खुद चली आएगी। अरे बड़ी प्रिय सुनिए तो डंडा जी आदम से भी चलो फिर दोनों चलते हैं। कहाँ दिनों से साथ में थी आज पकड़े गए। आदाब दादी जान आदाब जान। आदाब मेरे बच्चे जीते रहो शर्म नहीं आती तुम्हें लड़कियों का पीछा करते हुए। आप जरा अंदर चलो तुम्हारी खबर मिल जाए। बड़े भी कान तो ठोक दीजिए चकमा दे रहे हो कान छोड़ा और तुम भागे। तब हमें सीधा तो होने दीजिए। तुम्हें सीधा हो जाने दी और अपनी कमर से भागे। वाह क्यों तो हमारी कमर टूटी जा रही है। मैं क्या करूँ छोड़ूंगी थोड़ा ही तुम्हें। तो फिर आओ हमारे हाथों पर बैठ जाओ। लो बैठ जाती हूँ सीधा अंदर चलो। चलिए बेटी जाहिदा बेगम ये लोग चोर पकड़े गए। कौन हो तुम लोग? जी जी हम शरीफ आदमी हैं पढ़े लिखे हैं जबीन के दोस्त हैं। हाय हाय तुम्हारा बेड़ा गर्क तुम जुबो के दोस्त बनते हो लड़की का दोस्त लड़का। ए बेटा जरा सीधा उठाओ मैं 70 साल की हूँ अभी तक एक दोस्त नहीं मिला और कल की छोकरी के दो दोस्त। बड़ी जी दोस्त कह देना कोई गुनाह तो नहीं। आप महजबी से पूछ लीजिए। बताओ मत क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम लतीफ है। और तुम्हारा? मेरा नाम मतीफ। तुम्हारे वालिद का क्या नाम है? उनका नाम क्या नाम है उनका? तुम्हारी गलती का सवाल रहेंगे। कहाँ रहते हो? बड़ी भी ये दोनों आवारा है मैं तो जानती ही थी। चलो बेटा पूरी चौकी चलो। लाहौल बुला कुवत ये भी कोई शराफत है घर बुलाकर बेइज्जती की जाए। बुला गिरा दिया है मेरी कमर तोड़ डाली। अम्मी ये दोनों शरीफ खानदान से हैं। इनका नाम है? मेरा नाम लतीफ है इनका नाम मुतीफ है और हमारे वाले साहब का नाम अतीफ है।
समझ गई? मुझे तो उठाओ, लाओ मेरी लकड़ी, कमबख्त मुझे गिरा दिया। आइए अम्मी, मैं आजम के घर चाय पर जा रही हूँ, इनकी अम्मी ने आपको भी बुलाया है, चलिए। नहीं बेटी, मैं तुम्हारे अब्बा की इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती, और न ही तुम्हारा इस तरह हर जगह जाना आना पसंद करती। चची जान, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हम शरीफुल नस्ल है। देखिए, वरना इस बुढ़िया की क्या मजाल थी जो तुम्हें कान से पकड़कर यहाँ ले आती। तो फिर आप भी हमारे साथ तशरीफ ले चलिए ना, आप चलकर हमारा घर देखें तो सही, अम्मी है, अब्बा है, फूफी है, आपसे मिलकर सभी खुश होंगे। नहीं बेटे, फिर कभी चलेंगे। तब फिर महजबीन को आप इजाजत देती है ना, अम्मी ने बुलाया है। ये कौन होती है इजाजत देने वाली, मुझसे बात करो। अजी, आपसे दूर ही से बात करेंगे, वरना कान पकड़ लिए तो छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। देख बेटी, तू एक शरीफ और बड़े आदमी की बेटी है, अम्मी जान खुदा पर भरोसा रखिए। अच्छी बात। आदाब सच्ची जान। आदाब सच्ची जान। जी तो रखो बेटी, किसी दिन अपनी अम्मी को जरूर लाना। जरूर लाऊंगा। आप सुनिए, मैं आती हूँ। आजम नामाकूल बेवकूफ, इससे कह दो अभी झंझट बिना। क्या आप उस लड़की को जानते हैं? अच्छी क्या अच्छे खानदान से नहीं है? नहीं, ये बात तो फिर क्या बात है, ना आप कुछ कहते हैं ना मुझे लड़की के वालदैन से मिलने देते हैं। मेरी जान अदान में है, तुम्हें शादी की फिक्र, जाओ आजम से कह दो उसे घर पहुंचा, अच्छा हो जाऊंगा तो खुद बात करूंगा। तो बस तीन जाओ, मुझे सुकून चाहिए, जाओ, मैं कहता हूँ जाओ।
हम उनकी तमाम शक्ति से तमाम आपसे तमाम बीमारियां मुझे दे दे, मगर उन्हें अच्छा कर दे। खुदा नहीं, उनके सिवा मेरी बच्चे का और कोई सहारा नहीं। अम्मी जान, आप क्यों रो रही हैं? क्या खुदा ना खासा अब्बा जान ज्यादा बीमार है? हाँ बेटी, पति यहाँ बैठ के रोने से फायदा, चलिए हम उनको यहाँ ले आए। नहीं बेटी, खुदा ने चाहा तो वो खुद ही आएंगी, अब की बार वो आ जाए, फिर मैं उनको यहाँ से जाने ही ना दूंगी। खुदा तुम्हारी जुबान मुबारक है। कान अपने की है, बुढ़िया हम पर लगी, उसकी माँ की मन्नत है, तब जाके माजबीन आई, मगर डैडी ने उसे बात भी नहीं की। मैंने बहुत कहा, मगर उन्होंने लड़की देखने में साफ इनकार कर दिया और मुझे भी मना कर दिया कि उसके घर न जाओ। फिर डैडी ने क्यों कहा था कि लड़की को बुला लो? इसका मतलब ये हुआ तो उन्हें मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं? नहीं बेटा, आज उनकी तबीयत ज्यादा खराब है, मैं भाईजान को समझाऊंगी और तुम्हारा सवाल लेकर मैं जबीन के घर जाऊंगी। मैं तो सब रह गई, इधर तुम ना हो उधर हामिद रूठा हूँ, और उनके मिजाज में झुंझलाहट बात बात पर दौरा पड़ जाता है। अब तो इस मामले को बजा नहीं आकर सुलझाएंगे। अच्छा ख्याल है भाभी जान, इस घर में एक ही तो बुजुर्ग है, उन्हें फौरन बुला लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या बात है? मैं अभी दवा बुलाता हूँ, आप फौरन शुरू करवा दीजिए। आजा डॉक्टर जान, मौसम का क्या हाल है? ये तो डॉक्टर साहब ही बता सकेंगे। क्यों डॉक्टर साहब, कोई खास मर्ज तो नहीं? दिमाग को सुकून नहीं, कोई सदमा जहन पर भी बोझ है जिसे जबर से छुपाए बैठे। दो दिन से तो हालत और भी खराब हो गई, क्या इन दिनों कोई खास बात की है? माजुद्दीन को चाय का बुलाओ, बस और तो कोई खास बात नहीं हुई। बहरहाल कोशिश ये की जाए कि कोई बात उनकी मर्जी के खिलाफ ना हो, उन्हें मुकम्मल सुकून की जरूरत है। और क्योंकि आज ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, अगर उनके दिमाग पर मजबूत बोझ डाला गया तो दिमाग की किसी शरीर के फट जाने का खतरा है। खुदा ना करे ऐसा न कहिए, आप दवा जल्दी से भिजवा दीजिए। बहुत अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ये महजबीन कौन है जिसे न वो खुद मिलता है न किसी को उसके घर? और आज हम बजे थे कि रिश्ता उसी से तय किया जाए, मगर न वो खुद खुद करते हैं न मुझे करने देते हैं। चलता बच्चा, खुदा जाने उसे क्या हो गया है, पर आज मैं उससे बात करता हूँ। मेरी जान का सच्चा कबूल कर और मेरे जान को क्या बता सकता। तुम्हारी इन बातों से मुझे अस्सलाम वालेकुम। ले चलो ले चलो, ये क्या हालत बना रखी है बेटे? खुदा का शुक्र है तुम्हारा कारोबार अच्छा है, घर में खुशियाँ हैं, दोनों बेटे जवान हो चुके हैं। जब उनकी शादियाँ हो जाएंगी और खूबसूरत दुल्हनें घर में आएंगी तो फिर बच्चे ही बच्चे लोग कहेंगे ये घर जन्नत है। खुदा आपकी जबान हो जाए, तुम्हारी सेहत के बारे में मैं परेशान था, खाना तो खाए और फिर आजम के रिश्ते की बात है। मैं कहता हूँ अगर तुमने ये जिद न छोड़ी तो मेरा काम तमाम कर सकता है। जान खुदा के लिए काम आ सकती है, गुस्सा न दिलाई हो सकता है। मैं जबी के बारे में कोई राज कोई पर्दा और राज ना, कोई राज नहीं, कोई पर्दा नहीं। इसका जाना कहाँ तक जाएगा? दही आराम की तुझे तनहा छोड़, हाँ तुम्हें भी आराम के लिए, तुम दोनों भी आ जाओ। अच्छा, तो तुम ही महजबीन हो? अच्छा जान,
क्या कहा अब्बा जान? हाँ, वो मेरे अब्बा है। वो मुअज्जम है, तुम्हें गलत फहमी हुई। नहीं, वो मेरे अब्बा, मेरी जान दीजिए। तुम्हें यकीन है वो तुम्हारे अब्बा जान? वो मेरे अब्बा ने मेरी गर्दन उड़ा दी थी। अच्छा, तुम यहाँ चाहे मैं भी बुलाता हूँ। इंसान अगर गलती न करे तो फरिश्ता बन जाए, और गलतियों का एतराफ कर लेना ही मर्दानगी। जाने पिता, जो राज तुमने अपने सीने में छुपा रखा है उसे उगल दो, वो पर्दा हटा दो जिसके पीछे तुम्हारी सेहत का नाश करने वाले छुपे हुए। कोई राज, कोई पर्दा नहीं। मैं जबीन तुम्हें अपना बाप कह, और यही वजह थी कि तुम उसके साथ आदम का रिश्ता करने से गुरेज कर रहे हो। फिर उसे यहाँ ले आओ। नहीं, तो ये सच है कि महजबीन तुम्हारी बेटी है। अब्बा को देखा है? कहाँ देखा है तुमने? मेरे कॉलेज के दोस्तों के मकान पर है। अम्मी, वो मुझे बहुत बीमार नजर आ रही है, यकीन ना आए तो इनसे पूछ लीजिए। ये लड़की तुम्हारी है? क्या नाम है इसके बाप का? उनका नाम शायद है। शायद? लेकिन ये तो मौजूम का अपना बाप बता रही थी। नहीं नहीं, इसे गलत फहमी हुई है। संभाल करती हैं आप, वो मेरे अब्बा ही तो थे। चलिए मेरे साथ में आपको ले चलूं। मैं तस्मीन का बाप हूँ और वो तस्मीन का शौहर है। बेशक, वो तस्मीन ही के शौहर है। मेरी कुछ नहीं, मेरी कुछ नहीं। ये क्या राज है? वो तो मेरे अब्बा है। खामोश। क्या ये मजदूम की बेटी? सच बोलो, तुम्हें इस बच्ची की कसम है, तुम्हें मुअज्जम की कसम है। खुदारा, मुझे उनकी कसम न दिलाइए। ये मुझे सबसे ज्यादा अजीज, उन्होंने ये राज छुपाने की खातिर अपनी जिंदगी तबाह कर दी और मैंने अपने होठों पर ताला लगा रखा। तो ये सच है, तुम मुअज्जम की बीवी और ये उसकी लड़की। मेरी पहली बेटी और तुम मेरी दूसरी बेटी हो। हाँ मेरी बेटी, मौजूम करीबुल मर्ग, तुम्हें उससे मिला दूं, शायद तुम्हें अपने नजदीक पाकर उसके साथ वापस आ जाए। अब्बा जान, दवा तो पी दीजिए, डॉक्टर भी बस अब आने ही वाला है। नाम तो रजाजान, रजाजान। वो अभी आ जाते हैं। जल्दी जल्दी आ जाए। Thank you.
भी आ जाएंगे, मगर आप ऐसी मायूसी की बातें क्यों करते? मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। आपको क्या हो गया है पहचान करता? क्या हो गया है आपको? चचा जान, मुझे माफ कर दीजिए। बखुदार, मैं कह चुका हूँ, पत्नी मेरी पहली बेटी है और जायदाद मेरी दूसरी बेटी है। इसी राज की खातिर तुम अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहे हो। मुझे क्या मामला है? क्या ये आपकी हत्या की बेटी? हाँ, तस्वीर मैं माफ कर दे। आयो जी अब्बा जान, मैं जबीन तुम्हारी बहन। मेरी प्यारी बहन आसम, ये तुम माँ है। माँ बेटे चाचा, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा।